नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 2 मार्च, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 8वीं तक के विद्यार्थियों को इस तारीख तक मिलेंगी किताबें। जून से बिहार सरकार बनवाएगी बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन। शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग ने फिर जारी किया निर्देश। शहीद के पिता की गिरफ्तारी पर डीजीपी आरएस भट्टी और सीएम नीतीश का बड़ा बयान। इंदौर टेस्ट का पहला दिन रहा ऑस्ट्रेलिया के नाम, 47 रनों की बनाई बढ़त। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ओएसएसएससी ने 5,396 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जूनियर असिस्टेंट और पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कुल मिलाकर 5,396 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जूनियर असिस्टेंट पद के लिए कैंडिडेट को किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन और साथ ही कंप्यूटर स्किल होना अनिवार्य है। इसके अलावा पंचायत एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए किसी भी डिसिप्लिन में 12वीं पास होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन करने के लिए www.ossc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तारीख 27 मार्च 2023 तक है। बिहार में 8वीं तक के विद्यार्थियों को इस तारीख तक मिलेंगी किताबें। बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा का अधिकार कानून के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक में पढ़ रहे बच्चों को 17 अप्रैल तक किताबें उपलब्ध करवा दी जाएगी। बता दें कि इसके लिए किताबों की पहली खेप बिहार सरकार के द्वारा राज्य के कुछ जिलों में भेजी जा चुकी है, जिनमें मधेपुरा और बक्सर सहित कुल 11 जिले शामिल है। वहीं जिन जिलों में अभी कक्षा 4, कक्षा 2, कक्षा 3 और कक्षा 5 की किताबें भेजनी शुरू की गई है, उनमें शिवहर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, सहरसा, अरवल, मधेपुरा, बांका, लखीसराय और सिवान जिले के नाम शामिल है। इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा दी गई है। बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार के द्वारा बच्चों को किताबों के लिए पैसे दिए जाते थे, लेकिन बच्चे किताबें खरीदने के बजाय राशि का उपयोग दूसरे स्थान पर कर देते थे, जिस वजह से सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे अनुरंजन झा के बारे में। अनुरंजन झा एक भारतीय पत्रकार है। वह एक ऑनलाइन करंट अफेयर्स वेबसाइट मीडिया सरकार के संस्थापक और सीईओ है, जिसने 2013 में आम आदमी पार्टी पर विवादास्पद स्टिंग ऑपरेशन किया। इससे पहले झा ने भारत का पहला वैवाहिक टेलीविजन चैनल सगुन टीवी लॉन्च किया था। सगुन टीवी लॉन्च करने से पहले झा ने इंडिया टीवी, कोबरा पोस्ट, जी न्यूज, आज तक, बीएजी फिल्म्स, इंडिया न्यूज और जनसत्ता के साथ काम किया है और एक समाचार चैनल सीएनईबी के सीओओ थे। 2019 तक वह मौर्य न्यूज पर गणित नाम का सामाजिक राजनीतिक शो कर रहे थे। वह आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बारे में किताब रामलीला मैदान के लेखक है। 2016 में झा ने ग्रामीण बिहार में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए भोर ट्रस्ट नामक एक धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना की। ट्रस्ट अचीवार अवार्ड भी देता है और साहित्यिक उत्सव आयोजित करता है। उन्हें 2011 में मेरी दिल्ली अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। शहीद के पिता की गिरफ्तारी पर डीजीपी आरएस भट्टी और सीएम नीतीश का बड़ा बयान। गलवान के शहीद के पिता को जेल भेजने के मामले को लेकर एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बीते दिन सदन में कहा गया कि उनका इस मामले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत हुई है, इस पर सरकार की ओर से एक्शन लिया जाएगा और जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, वहीं दूसरी ओर बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा गया है कि इस मामले की जांच की जाएगी और इसके लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया जाएगा जो इस मामले की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में कोई पुलिसकर्मी या पदाधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शहीद के पिता को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया है कि उन्होंने जिस जगह पर शहीद जय किशोर सिंह की प्रतिमा लगाई है उसके पीछे निजी व्यक्ति की जमीन है। वहीं इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जहां प्रतिमा लगाई गई है वह बिहार सरकार की जमीन है। मालूम हो कि इस बात की शिकायत पड़ोस में रहने वाली के द्वारा ही विरोध कर किया गया था, जिसके बाद शहीद के पिता के खिलाफ SC ST के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की गई। इसके अलावा पुलिस पर यह भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने शहीद के पिता की खूब पिटाई भी की है।
जून से बिहार सरकार बनवाएगी बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगवाने के बाद बिहार सरकार के द्वारा जून महीने से CIPET से हरी झंडी मिलने के बाद से बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन बनवाने की शुरुआत की जा रही है। बता दें कि यह शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की पहल पर की जा रही है। इसके तहत बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन का निर्माण कार्य सबसे पहले बिहार के 3 जिलों में स्थित फैक्ट्रियों में किया जाएगा, जिनमें सिवान, अरवल और बेगूसराय जिला शामिल है। बिहार में बायो प्लास्टिक एसोसिएशन के चेयरमैन संजीव श्रीवास्तव के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बायोडिग्रेडेबल कटलरी के निर्माण को लेकर अप्रैल में MSME के सहयोग से प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। मालूम हो कि बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन और कटलरी के निर्माण को लेकर 27 और फैक्ट्रियों के संचालन की मंजूरी दी जा चुकी है। बता दें कि तैयार होने वाले ये सभी बायोडिग्रेडेबल पॉलिथीन प्रोडक्ट सस्ते और इको फ्रेंडली होंगे। होली पर बिहार से चलेंगी 2 और स्पेशल ट्रेनें। होली में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और ऐसे में सभी लोग अपने अपने घर की ओर निकलने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। बता दें कि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसको देखते हुए रेलवे की ओर से बिहार से 2 और जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन का फैसला लिया गया है। बता दें कि जिन 2 ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा उनमें पहला डिब्रूगढ़ गोरखपुर न्यू जलपाईगुड़ी गोरखपुर डिब्रूगढ़ होली स्पेशल ट्रेन 2 से 14 मार्च तक चलाई जाएगी, जो हाजीपुर मुजफ्फरपुर और कटिहार के रास्ते गुजरेगी। वहीं दूसरा ट्रेन पटना डॉक्टर अंबेडकर नगर सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन है, जिसका परिचालन 3, 10 और 17 मार्च को डॉक्टर अंबेडकर नगर से खुलकर पटना पहुंचेगी और 4, 11 और 18 मार्च को पटना से खुलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर पहुंचेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेलवे की ओर से होली को देखते हुए अब तक बिहार से कुल 29 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया गया है। 50 लाख की अंग्रेजी लीकर हुई जब्त। होली आने वाली है और ऐसे में शराब तस्कर काफी सक्रिय हो गए हैं। बता दें कि बीते दिन बुधवार को गोह पुलिस के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर बिहार के औरंगाबाद में थाना क्षेत्र के नियामतपुर गांव में एक बंद गोदाम से करीब 50 लाख की अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। वहीं इस मामले को लेकर थाना प्रभारी कमलेश पासवान का कहना है कि यह छापेमारी होली को लेकर की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी शराब माफियाओं के द्वारा धड़ल्ले से कारोबार किया जा रहा है। वहीं लोग भी मानने को तैयार नहीं है। सभी चीजों को देखते हुए पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह सख्त है। उन्होंने कहा कि वैसे किसी भी लोगों को नहीं बख्शा जाएगा जो काला बाजारी कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन जिले में शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे दाऊद का किला के बारे में। दाऊद का किला औरंगाबाद का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यह एक प्राचीन किला है। यह किला औरंगाबाद में दाऊद नगर में स्थित है। बता दें कि यह किला सोन नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी स्थापना 17वीं शताब्दी के मुगल सम्राट औरंगजेब के अधीन बिहार के कथित राज्यपाल दाऊद खान के द्वारा की गई थी। मालूम हो कि ऐसी मान्यता है कि विजय प्राप्त कर लौटते समय यहां दाऊद खान ने रुककर कुछ दिन आराम किया और इस जगह की स्थापना की। बाद में औरंगजेब ने शहर को दाऊद खान को भेंट कर दिया। यहाँ पर दाऊद खान और उनके पोते अहमद खान द्वारा बनाई गई मस्जिद और सराय की झलकियाँ देखने को मिलती है। आप इस किले को यहाँ पर आकर देख सकते हैं। किले के अंदर लोग घूमते रहते हैं। किले में आपको दीवार, बुर्ज, गेट देखने के लिए मिल जाते हैं। पूर्णिया के माँ कामाख्या महोत्सव में आएंगी गायिका अनुराधा पौडवाल। 10 मार्च से बिहार के पूर्णिया जिले में 3 दिवसीय मां कामाख्या महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन जिले के नगर प्रखंड अंतर्गत मां कामाख्या देवी मंदिर मजरा में किया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम को लेकर बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेसी सिंह के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस महोत्सव की शुरुआत 10 मार्च को सुबह एक भव्य कलश यात्रा के साथ होगी। इसके साथ इस महोत्सव में प्रत्येक दिन कथावाचन, चंडी पाठ, हनुमान चालीसा और अष्टयाम भी किया जाएगा। इसके अलावा इस बार के महोत्सव में भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें 10 मार्च को संध्या 7 बजे प्रसिद्ध मैथिली गायिका जूली झा के द्वारा भजन संध्या किया जाएगा। वहीं 11 मार्च को भजन संध्या में देश की सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका अनुराधा पौडवाल भी शिरकत करेंगी, जिसके बाद महोत्सव के अंतिम दिन यानी कि 12 मार्च को बनारस के विद्वान पंडितों द्वारा काशी की तर्ज पर भव्य महाआरती के साथ महोत्सव की समाप्ति की जाएगी। महिलाओं
के कमर्शियल वाहन खरीदने पर नहीं लगेगा टैक्स। राज्य में सस्ती एवं सुलभ परिवहन सेवा लोगों को उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए बिहार सरकार की ओर से बैटरी चालित यान और इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 50% की छूट दी जा रही है। वहीं वैसी महिलाएं जिनके पास व्यावसायिक ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हें 3 पहिया वाहन, टैक्सी, मोटर कैब आदि पर 100% की छूट बिहार सरकार के द्वारा दी जा रही है। इसके अलावा वैसे वाहन जिसका इस्तेमाल दिव्यांगों के द्वारा किया जाता है, उन पर भी टैक्स विलोपित कर दिया गया है। बता दें कि इन सब के अलावा बिहार सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा ड्राइविंग टेस्ट के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के निर्माण कराने की योजना बनाई गई है, जिनमें से 7 जिले ऐसे हैं जहां यह काम पूरा कर लिया गया है। वहीं 15 जिलों में निर्माण कार्य जारी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार के बजट में बिहार परिवहन विभाग को 40 करोड़ रुपए अधिक मिले हैं, लेकिन योजना मद में 7 करोड़ की राशि की कटौती कर दी गई है। शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग ने फिर जारी किया निर्देश। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा के निदेशक रवि प्रकाश के द्वारा राज्य के उन सभी शिक्षकों को लेकर पत्र जारी किया गया है जिन शिक्षकों का नियोजन राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 2 वर्ष पहले यानी कि 2019-20 में हो चुका है, पर अब तक इन शिक्षकों के द्वारा किसी कारणवश अपने प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं किया जा सका है। बता दें कि जारी किए गए पत्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि पूर्व में पिछले साल के सितंबर माह को सभी जिलों को निर्देश दिया गया था कि चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्षेत्रीय कार्यालय से कराया जाए। इसके अलावा राज्य के अंदर अवस्थित विश्वविद्यालयों से प्रमाण पत्र का सत्यापन तथा राज्य के बाहर के विश्वविद्यालयों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन विशेष दूत के माध्यम से कराया जाए। वहीं पत्र में यह भी कहा गया है कि अब तक की गई कार्रवाई की सूचना शीघ्र उपलब्ध करवाई जाए। मार्च 2025 से पहले शुरू हो जाएंगे पटना मेट्रो के ये 5 स्टेशन। बजट पेश होने के बाद बिहार की राजधानी में पटना मेट्रो के कामों में अब और भी रफ्तार बढ़ गई है। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि मेट्रो निर्माण के पहले चरण में मार्च 2025 तक पटना मेट्रो के 5 स्टेशन को सबसे पहले शुरू किया जाएगा, जिनमें पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, भूतनाथ 0 माइल, खेमनी चक और मलाही पकड़ी स्टेशन के नाम शामिल है। बता दें कि इसकी लंबाई पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से मलाही पकड़ी तक लगभग 6 किलोमीटर की रहेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा पटना मेट्रो रेल परियोजना में चयन किए गए 2 कॉरिडोर के लिए 1,670.59 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध की गई है। खान सर ने बताई अपनी शादी न करने की वजह। दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुके खान सर ने एक इंटरव्यू में अपनी से जुड़ी कुछ बातों का खुलासा किया। दरअसल उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की है। बता दें कि जब इंटरव्यू के दौरान खान सर से पूछा गया कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की, इस पर जवाब देते हुए खान सर ने कहा कि वह अपनी जिंदगी में काफी खुश है, इसलिए लोगों को आइडिया लगा लेना चाहिए कि अब तक मैंने शादी क्यों नहीं की है। वहीं जब वह द कपिल शर्मा के शो में पहुंचे थे, उस दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि जब से वह फेमस हुए हैं तब से उनके लिए कोई रिश्ता आता ही नहीं। इसके साथ ही खान सर ने इंटरव्यू के दौरान यह भी बताया कि वह काफी बिजी रहते हैं, रात में 2 बजे तक क्लास करते हैं और फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं। बिहार में गर्मी का दौर हुआ शुरू। राजधानी समेत प्रदेश के मौसम में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में बदलाव की स्थिति बनी रहेगी। पछुआ हवा के कारण न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मौसम विज्ञानी आशीष कुमार की माने तो सुबह और रात के समय गुलाबी ठंड रहेगी। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि मौसम विभाग, जलवायु परिवर्तन पर उच्च अध्ययन केंद्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा की ओर से अगले 4 दिन के लिए पूर्वानुमान जारी किया गया है। उसके मुताबिक पूर्वानुमान की अवधि में उत्तर बिहार के जिलों में आसमान प्रायः साफ और मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मुख्य रूप से पछिया हवा चलने की संभावना है। मखाना अनुसंधान केंद्र बनेगा राष्ट्रीय संस्थान, नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा मखाना अनुसंधान केंद्र के 22वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा गया कि दरभंगा स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर केंद्र सरकार के द्वारा गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि दरभंगा स्थित मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा मिल सके, इसके लिए वे खुद भी अपनी ओर से प्रयास करेंगे। इस संस्थान ने मखाना अनुसंधान के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है। वहीं मखाना अनुसंधान को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा मिलने को लेकर मखाना अनुसंधान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा कहा गया है कि अगर ऐसा होता है तो मिथिला के किसानों और व्यवसायियों को इससे काफी लाभ मिलेगा।
के जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय के निधन पर सीएम नीतीश ने जताया शोक। बीते दिन सुबह चेन्नई में पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय का निधन हो गया, जिस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गहरी शोक संवेदना व्यक्त की गई। उन्होंने ट्वीट कर शोक व्यक्त करते हुए कहा, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय जी का निधन दुखद। जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय प्रसिद्ध कानूनविद थे, वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनके निधन से विधि एवं न्याय के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बता दें कि जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय किडनी की समस्या से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था। मालूम हो कि उन्होंने पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में अपना कार्यभार 22 मई 2017 को ग्रहण किया था और इसी बीच इन्हें अपने किडनी से जुड़ी बीमारी का पता चला था, जिसके बाद उनका किडनी प्रत्यारोपण भी किया गया था, लेकिन बीते दिन सुबह चेन्नई में उनका निधन हो गया। गलवान के शहीद के पिता को जेल भेजने पर आमने सामने हुए तेजस्वी विजय सिन्हा। बीते दिन यानी कि बिहार विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा आमने सामने आ गए। दरअसल उनके बीच यह बहस गलवान के शहीद के पिता को जेल भेजे जाने के मामले पर शुरू हुई। बता दें कि इस मामले को लेकर विजय सिन्हा ने कहा कि गलवान के शहीद के पिता को भूमाफिया की मिली भगत से वैशाली पुलिस के द्वारा जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि आज बिहार में यही गुंडा राज चल रहा है, सरकार इसका जवाब दे। वहीं सवाल का जवाब सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा दिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि कानून अपने काम को कर रही है, सरकार के द्वारा न तो किसी को फंसाया जाता है और न ही बचाया जाता है। राबड़ी देवी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में प्रत्येक दिन बीजेपी के द्वारा किसी न किसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है और जमकर हंगामा भी किया जा रहा है। इसी को लेकर बीते दिन बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के द्वारा बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा बयान दिया गया। राबड़ी देवी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बहुत अच्छे से चल रही है, बिहार में महागठबंधन के बीच कहीं से भी कोई गड़बड़ी देखने को नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि इन्हीं कारणों से बीजेपी के लोग सोच रहे हैं कि बिहार में और महागठबंधन में कोई गड़बड़ी हो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और सरकार को ठीक ढंग से चला रहे हैं, बिहार विकास कर रहा है और बीजेपी के लोगों को यह बात पच नहीं रही है। इसके साथ ही राबड़ी देवी ने सीएम नीतीश को जन्मदिन की बधाई दी और लालू यादव के पटना आने को लेकर कहा कि डॉक्टरों की सलाह है कि वे अभी वहीं रहे, इसलिए अभी पटना आने की कोई बात नहीं है। अख्तरुल ईमान ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए बीते दिन AIMIM बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के द्वारा बिहार सरकार पर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, यह तो समझ आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के राज में अल्पसंख्यक क्यों सुरक्षित नहीं है और उन पर क्यों अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि हर रोज बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। समस्तीपुर सहित गया में बाबर के साथ मॉब लिंचिंग की घटना हुई है, लेकिन अब तक उस पर कार्रवाई नहीं की गई है, यहां तक कि अब उन्हें अस्पताल में जाकर धमकाया भी जा रहा है। इन घटनाओं से यह साफ होता है कि बिहार सरकार अपनी संवेदनहीनता का परिचय दे रही है। ऐसे में बिहार में अल्पसंख्यक और दलित कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार को लॉ एंड ऑर्डर बहाल करना चाहिए। सीएम नीतीश ने शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की ली क्लास। बीते दिन बिहार विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर की जमकर क्लास लगाई गई। बता दें कि सीएम नीतीश ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये कैबिनेट की बातों को भी सभी के सामने उजागर कर देते हैं। उन्होंने कहा कि अखबार में एक खबर शिक्षा मंत्री का हवाला देकर छपी हुई थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कैबिनेट में जो भी बातें होती है उसे सार्वजनिक नहीं किया जाता, जब कैबिनेट में वो प्रस्ताव पास हो जाता है उसके बाद बाहर ऐलान किया जाता है, इससे जुड़ा प्रावधान संविधान में भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ दिनों पहले प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ट्वीट कर कहा था कि शिक्षक नियोजन के सातवें चरण की बहाली को लेकर नियमावली पर हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर कैबिनेट में भेज दिया गया है, लेकिन अगली कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगी थी। सीएम स्टालिन से मिलने के लिए तेजस्वी पहुंचे चेन्नई। बीते दिन बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के जन्मदिन पर उनसे मिलने के लिए चेन्नई पहुंचे, जहां तेजस्वी यादव ने सीएम स्टालिन के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लिया। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के द्वारा अपने जन्मदिन समारोह को लेकर तेजस्वी यादव के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन बिहार विधानसभा के बजट सत्र को जवाब देने को लेकर नीतीश कुमार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं जा
जा पाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी जन्मदिन था, तो वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का भी कल ही जन्मदिन था। ऐसे में दोनों मुख्यमंत्रियों ने एक दूसरे को बधाई दी। मालूम हो कि यह पहला मौका होगा जब स्टालिन के जन्मदिन समारोह में तेजस्वी यादव सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। का पहला दिन रहा ऑस्ट्रेलिया के नाम, 47 रनों की बनाई बढ़त। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मेहमान टीम ने पहले भारत को 109 रनों पर समेटा, उसके बाद अपनी पहली पारी में दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट के नुकसान पर 156 रन बना लिए हैं। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाज एक एक करके ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों के आगे ढेर होते चले गए। भारत की तरफ से विराट कोहली ने सर्वाधिक 22 रन बनाए। केएल राहुल की जगह खेल रहे सुमन गिल 21 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्पिनर मैथ्यू कुमन ने सबसे अधिक 5 विकेट चटकाए। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में दिन का खेल खत्म होने तक 4 विकेट के नुकसान पर 156 रन बना लिए हैं। चारों विकेट रविंद्र जडेजा ने चटकाए। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। बिहार की राजधानी पटना में 1982 में महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन हुआ। नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच 2006 में ऐतिहासिक परमाणु समझौता संपन्न हुआ। भारत ने 2006 में परमाणु शक्ति के संबंध में अमेरिका के साथ राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के दिल्ली आगमन पर समझौता किया। भारतीय तीरंदाज खिलाड़ी जयंत तालुकदार का 1986 में जन्म हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र राजा राम का सन 1700 में सिंगर में निधन हुआ। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल हरकोट बटलर का 1869 में निधन हुआ। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाली तथा भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू का 1949 में निधन हुआ। बात करेंगे राशन कार्ड धारकों के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे राशन कार्ड धारकों के बारे में। दरअसल पीआईबी ने एक ट्वीट में लिखा है कि टेक्निकल ब्लॉग नामक यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि 1 मार्च 2023 से राशन कार्ड धारकों को गेहूं मिलना बंद हो जाएगा। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह वीडियो फर्जी है, भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आ रहा है व्हाट्सएप कॉल शेड्यूल फीचर, ऐसे करेगा काम। व्हाट्सएप अब अपने कॉलिंग फीचर को और भी बेहतर बनाने में लगा है। बता दें कि अभी व्हाट्सएप इस बार एक शेड्यूल ग्रुप कॉल पर काम कर रही है। फीचर के नाम से ही लग रहा है कि इससे यूजर्स को ग्रुप कॉल को शेड्यूल करने की सुविधा मिलेगी। WA Beta इन्फो ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि एंड्रॉइड 2.23.4.4 अपडेट के लिए व्हाट्सएप बीटा वर्जन डाउनलोड करने से पता चला है कि कंपनी एक शेड्यूल ग्रुप कॉल नाम के नए फीचर को डेवलप कर रही है। इसकी मदद से यूजर्स कॉल को पहले से ही शेड्यूल कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए यूजर्स को सबसे पहले कॉल आइकन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद कॉल ग्रुप और शेड्यूल कॉल का ऑप्शन दिखाई देगा, जिनमें से यूजर्स को शेड्यूल कॉल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद यूजर्स को एक कैलेंडर शो होगा जहां यूजर्स को दिन सेलेक्ट करना होगा और फिर नीचे आ रहे क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। बता दें कि यह फीचर वॉइस और वीडियो दोनों कॉल पर मौजूद होगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पंकज कुमार दास, कृष्ण कुमार यादव, राजकुमार ठाकुर, चंद्रादीप, रामनवी मांझी, कमलेश शर्मा, मोहन सिंह, उमा शंकर गुप्ता, अतीक खान, रविशंकर, सुनील कुमार, संजीत कुमार, सुमन, मदन कुमार, अर्जुन राम, नुन्नु गोलू कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, मौजूदा हालात को देखते हुए क्या भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में वापसी करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।